गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। वंस अगेन आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो जो आज का वीडियो है वो है विंटर के लिए मेकअप लुक। विंटर में आप एक अच्छा सा मेकअप लुक कैसे क्रिएट करें, तो ये उस पर आज वीडियो। तो स्टेप बाय स्टेप मेकअप लुक मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, हाउ टू क्रिएट अ फ्लॉलेस मेकअप लुक इन विंटर सीजन। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। प्रोडक्ट्स आज मैं सारे यूज़ करूँगी, ठीक है। तो पहले एज यू नो कि आपको अपनी स्किन को वेल प्रेप कर लेना है, मॉइस्चराइजर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। तो आज मैं एज अ प्राइमर मैं यूज़ करूँगी ये वाला एलोवेरा स्विस ब्यूटी का फिक्सिंग स्प्रे। इसको मैंने एज अ प्राइमर यूज़ किया है। तो ये हो गया हमारा प्राइमर। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ करूँगी इनसाइड कॉस्मेटिक की अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन लॉन्ग वेव फाउंडेशन। तो ये वाला जो फाउंडेशन है काफ़ी अफोर्डेबल है। एक्सक्यूज़ मी, इसका एक्चुअली पंप नहीं चल रहा, तो मैं इसको अपने हैंड पे लेके ऐसे ही इसको डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। इसमें जो मेरा शेड है वो है 02 रोज बीच। तो एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज के साथ आपको इसको ब्लेंड कर लेना है। इनसाइड कॉस्मेटिक का ये वाला जो फाउंडेशन है एक तो बजट फ्रेंडली है, और इसके साथ साथ ये आपको अच्छी कवरेज भी प्रोवाइड करता है। और एक इसका ये है कि ये विंटर के लिए बहुत ही अच्छा वाला फाउंडेशन है। थोड़ा सा इसका और अमाउंट लिख के इसको अप्लाई करूँगी। आई एम डन विद द फाउंडेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करूँगी वो है एन वाई बी का कंसीलर। ये आज मैं पहली बार यूज़ करने जा रही हूँ। ये अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, आपके सामने इसको मैं ओपन कर रही हूँ। लगा के कि ये कैसी कवरेज देता है। आप इसको बोल सकते हो कि ये कंसीलर है, सस्ता भी है। तो मैं इसको अपनी आईलिड के ऊपर भी लगा लूँगी फॉर द आई मेकअप एज अ बेस। इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। पहले आई मेकअप, तो उसके लिए पहले आप आईब्रोज को फिल कर लो। तो कॉम कर लूंगी। वाला सी ये वाला एक शेड लूंगी, इसके साथ मैं इसको सेट कर दूंगी सो दैट कि हमारा जो आई मेकअप है वो क्रीज ना हो। कंसीलर को सेट कर रही हूँ यहाँ पे मैं। चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड लूंगी एक फ्लफी ब्रश के ऊपर, उसको पहले
अपनी क्रीज बिल्डअप करूंगी। क्योंकि मेरी हुडी डाइज है तो मैं थोड़ा सा अपनी क्रीज के ऊपर जो अपनी क्रीज है उसको बिल्ड करूंगी। एज यू कैन सी मैं इसके ऊपर कर रही हूँ थोड़ा सा, ये मेरी क्रीज है और मैं इसके थोड़ा सा ऊपर बिल्ड कर रही हूँ क्योंकि आई हैव हुडेड आइज। तो जब भी आपकी आपकी अगर हुडेड आइज है तो आपको क्रीज के थोड़ा सा ऊपर जो आई मेकअप है स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं सेम इस आइज पे भी क्रीज बिल्ड कर लूँगी सो दैट की सेम हो जाए। डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ तो इसको लेके मैं सबसे पहले इसको अपनी आउटर वी पे डिपॉजिट करती हूँ। इसी को मैं इनर हमारा हाफ इनर है उस पे भी डिपॉजिट कर दूंगी। बस बीच वाली लिड आपको छोड़ देनी है। हम क्या करेंगे, मैं अपनी फिंगर टिप के साथ ये वाला इसको आप बोल सकते हो कॉपर शेड ये लूंगी अपनी फिंगर के ऊपर ऐसे इसको थोड़ा सा करके। तो इसको मैं अपनी जो ये वाला पार्ट हमने छोड़ा था इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दूंगी। ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी उसके साथ मैं अपने जो आउटर एजेस है उनको क्लीन कर दूंगी। मैं इसी पैलेट में से सेम जो मैंने पहले शेड लिया था चॉकलेट वाला और पर्पल वाला इन दोनों शेड को मिक्स कर लूंगी आपस में और अपनी जो लोअर वाटर लाइन है उसके ऊपर लगा दूंगी। यहाँ पे मैं कंसीलर फिर से यूज़ कर रही हूँ NYB का बिकॉज़ कि मैंने जो आई शेडो अप्लाई किया है अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ होगा तो इसके साथ हमारा जो आई मेकअप लुक है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अगेन कंसीलर उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए क्लीन दिखाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है और उसको ब्लेंड कर दिया है। मैं फिक्सिंग स्प्रे के साथ ही इसको पहले सेट कर लूँगी जो मैंने बेस क्रिएट किया है बस और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ के साथ क्या होगा हमारा जो भी मेकअप हमने अप्लाई किया है वो इंटैक्ट रहेगा और अपनी जगह से हिलेगा नहीं और हाइड्रेटिंग भी रहेगा। कर सकते फेस को थोड़ा और डायमेंशन लुक देने के लिए मैंने आज यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक का पैलेट यूज़ किया है कंट्रोल अपने फेस को कंट्रोल किया है सो दैट कि मेरा जो फेस है जो मेकअप है वो चिजल्ड लगे एक ही जैसा फेस ना दिखे। सो आज मैं अपने फेस की कंटोरिंग भी कर रही हूँ। कंटोरिंग बिल्कुल चिक्स बोन के नीचे की जाती है एज़ यू कैन सी इन द वीडियो। तो फोरहेड की भी थोड़ी सी कंटोरिंग मैं कर लूँगी और आफ्टर देन मैं नोज़ की भी कंटोरिंग करूँगी। आपके पास ब्रश नहीं है आप इसको ऐसे करके अपनी नोज़ की कंटोरिंग कर सकते हो। सेट करती जाऊंगी साथ साथ ही। ब्लश हम अलग से अप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आज मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ से ये ब्लू हेवन का ब्लश। तो इसको मैं इस पे लेके तो आज मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे स्विस ब्यूटी का फ्यूज़न हाइलाइटर।
ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश नहीं है, जो जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा मैं इसी ब्रश के साथ इसको अप्लाई करूँ। इसके साथ बहुत अच्छा हाइलाइटर अप्लाई होता है। लाइनर भी मैं आज इनसाइड कॉस्मेटिक का आईलाइनर यूज करूंगी। आज हम पहले विंग क्रिएट करते हैं। तो हाउ टू क्रिएट विंग, आपको पहले ऐसे स्लांट लाइन खींच लेना है, उसके बाद जो पीछे का स्लांट है उसको आपके आपको ऐसे करके इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है यहां तक। इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया हमारा विंग आईलाइनर क्रिएट। इसके बाद सेम ऑन द अनदर आई। तो इसके बाद यूज करेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक का मस्कारा। नो, इट्स नॉट मार्स कॉस्मेटिक, इट्स एलए कलर्स का मस्कारा। ठीक है, मैंने पर्पल आई मेकअप लुक किया है तो मैं इसके साथ पर्पल कलर का ही लिप शेड ले रही हूँ, ये वाला। मैं ब्राउ बोन्स और इनर कॉर्नर ऑफ आईज की हाइलाइटिंग भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं फिर से हाइलाइटिंग कर रही हूँ जो रह गया था। यस, आई एम डन। हेयर स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो लास्ट में फिर से हम इसको इसी सेटिंग स्प्रे के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप देख ही सकते हो ये वाला मेकअप लुक। कोई मेरी स्किन के गिफ्ट लेके कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके। ये ट्रिक जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, इसके साथ आपका जो मेकअप है एक तो इंटैक्ट रहेगा और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। सारा दिन टिका रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। और सिंपल और आसान सा मेकअप मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये आई मेकअप लुक इज़ वेरी सिंपल। यू लाइक माई वीडियो, लाइक माई मेकअप लुक, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द हिट बटन, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे से और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ऐसी वाली वीडियोज लेके आऊँ। सो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।